सैमसंग या फिर पोको। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी M31 और पोको X2 का एक रिव्यू कंपैरिजन करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो यदि आपको जानना है तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जो देखना होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिज़ाइन से। सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आने वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी मिलती है। रियर साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। बात करते हैं पोको X2 की, तो आपको यहाँ पे 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको डुअल पंचोल मिलता है, आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको 20Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीमियम ग्लास बैक बॉडी मिलती है। रियर और फ्रंट साइड दोनों ही साइड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसी के साथ बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर की। सैमसंग M31 में आपको मिलता है 2.3 GHz पे ऑक्टोकोर एक्सिनोस 9611 वाला प्रोसेसर, जो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 मिलता है और OneUI भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों, बात करते हैं पोको X2 की, तो आपको यहाँ पे 2.2 GHz पे ऑक्टोकोर स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर मिलता है, जो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोसेसर है। बहुत ही आपको ये पावरफुल देखने को मिलता है। इसमें आप हाई ग्राफिक गेम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की, तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 के साथ ही MIUI 11 भी मिल जाता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। सैमसंग M31 में आपको क्वाड्रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2+2 मेगापिक्सल के आपको माइक्रो डेप्थ सेंसर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं सेल्फी की, तो आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं पोको X2 की, तो आपको यहाँ पे भी 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड्रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ पे आपको सोनी का लेटेस्ट 686 सेंसर मिलता है, जो बहुत ही पावरफुल सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2+2 मेगापिक्सल के आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर और माइक्रो लेंस भी मिल जाते हैं। यदि हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पे डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का। बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो सैमसंग M31 में आपको 6000mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। यहाँ पे आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसी के साथ पोको X2 में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पे आपको 27W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिम एंड कनेक्टिविटी की। सैमसंग M31 में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप इसमें 2 SIM कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड इसमें एक साथ लगा सकते हैं। और पोको X2 में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यहाँ पे आप 1 SIM कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड या फिर 2 SIM कार्ड ही एक टाइम पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। जैसा कि आपको पता है कि स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरियंट अब आपको 17,000 रुपये का देखने को मिलने वाला है, 6GB RAM और 64GB ROM के साथ आने वाला। तो दोस्तों, हमने अभी तक दोनों स्मार्टफोन के प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने कंक्लूजन की। वैसे आपको पता लग ही गया होगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आप नॉर्मल गेमर हो, आप ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते हो और आपको बड़ी बैटरी चाहिए, तो दोस्तों आपको जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31 के साथ। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है प्लास्टिक बॉडी मिलती है, ये एक स्मार्टफोन की कमी है। और दोस्तों, इसी के साथ पोको X2 में आपको डिज़ाइन का फीचर देखने को मिलता है, और जो प्रोसेसर आपको पोको X2 में मिलता है वो बहुत ही पावरफुल है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स गेम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, और जो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है वो एकदम टॉप नॉच मिलती है। तो दोस्तों, यदि मुझे यहाँ से एक स्मार्टफोन को पिक करना हो, तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा पोको X2 के साथ। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हो, कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट लगा है। जो भी आपकी राय है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। सो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।